मैम विच इज प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन एंड विच प्रेस एंड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ द वर्ब. ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड. यू टोल्ड मी विच टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ द वर्ब. एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी रीड दिस वर्ड एडवर्ब. ओके सो एडवर्ब इमीडिएटली इट कम्स टू आवर माइंड कि एडवर्ब समथिंग दैट एड्स टू वर्ब. ओके सो बेटा इट इज नॉट ओनली वर्ब. एडवर्ब क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब an adjective or another adverb in that sentence. I'll explain this thing. Now, it is, first thing is, you see the first sentence. It is, he ran fast. इस sentence में you all know, he ran क्या है? What is ran? Ran is verb. Okay, अब he ran, वो भागा. Now the word fast, it is telling us वो भागा. कैसे भागा? तेज भागा. Okay, so यहाँ पे ये जो word है fast, it is adverb. Why? Because it is telling us more about the verb ran. वो भागा. कैसे भागा? तेज भागा. भागने के action के बारे में वो हमको बता रहा है, वो he के बारे में नहीं बता रहा है यहाँ पे. Okay, जो word हमें he के बारे में बताएगा वो क्या होगा? वो adjective होगा. और जो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि उसके एक्शन के बारे में बताता है कि वो भागा, वो कैसे भागा? तेज भागा. सो दैट इज एन एडवर्ब. सो यहाँ पे एक चीज प्रूव हो गई हमारी कि एडवर्ब क्या होता है? जो हमें वर्ब के बारे में और बताता है, वर्ब के मीनिंग में और कुछ ऐड करता है कि वो काम कैसे. ओके नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ही इज वेरी क्विक. यस अनमोल, कैन यू टेल मी क्विक क्या है बेटा? Quick, which part of speech is it, Anmol? Yes, ma'am. हाँ जी. Quick क्या है बेटा? Which part of speech is it? तेजी से. हाँ. तेज. Which part of speech is it बेटा? Is it a noun, verb, adjective, adverb, preposition? What is it? Quickly, quickly. He is very quick. Quick क्या है? वर्ब. क्विक वर्ब है. वेरी क्विक हमें किसके बारे में बता रहा है? कौन है क्विक? कौन है क्विक? ही है यहाँ पर. ओके तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? आई वॉन्ट टू सी दैट लिप मूवमेंट. क्या होता है वो? दैट इज एन एडजेक्टिव. ओके जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है दैट इज एन एडजेक्टिव. ओके अब यहाँ पे ही इज वेरी क्विक, ये एडजेक्टिव है क्विक. अब वो क्विक के बारे में वेरी वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि वो क्विक है. तो कितना क्विक है? बहुत क्विक. ओके सो इट मींस इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट एडजेक्टिव क्विक. तो दिस थिंग इज ऑल्सो प्रूफ. एडवर्ब क्या है? जो हमें एक वर्ब के बारे में बताता है और एक एडजेक्टिव के बारे में बताता है. नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस. ही रैन वेरी फास्ट. हमने पहले सेंटेंस में भी किया है. फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब है. ओके अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वेरी, अगेन ये किसके बारे में? फास्ट एडवर्ब है. एडवर्ब के बारे में वो बता रहे हैं हमें बेटे. वेरी गुड. तो वो एडवर्ब के बारे में हमें बता रहा है. तो जो वर्ड हमें एक और एडवर्ब के बारे में भी बताता है दैट इज आल्सो एन एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड के बारे में बताता है, सेकंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, और थर्ड सेंटेंस में उसी सेंटेंस में आए एक और एडवर्ब के बारे में बता रहा है. ओके सो दैट इज एन एडवर्ब. समझ आ गया? एडवर्ब क्या होता है? जो हमें एक वर्ब, एडजेक्टिव या उसी सेंटेंस में आए किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है दैट इज एन एडवर्ब. अब ये नहीं कहना सिर्फ आगे से कि जो सिर्फ वर्ब के बारे में बताता है. ओके सो अब हम इसकी करेंगे आगे काइंड्स. अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में. वेरी गुड बेटे. वेरी नाइस बेटे.
अब काइंड ऑफ एडवर्ब के बारे में जब हमने बेटा करना है तो सबसे पहले आपको एक वर्ड पता है, दैट इज पीटीएम। आपको पता ना पीटीएम क्या है? ओके, अब वो पीटीएम वर्ड आपका तो वो पेरेंट टीचर मीट होता है ना, अब यहाँ पे भी एक पीटीएम याद है, इट इज प्लेस टाइम मैनर। व्हाट इज इट? प्लेस टाइम एंड मैनर। ओके बेटे, सो प्लेस टाइम मैनर, पहले ये तीन काइंड हम अच्छी तरह से करेंगे, उसके बाद वी विल कम टू फ्रीक्वेंसी डिग्री एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, सो प्लेस टाइम एंड मैनर, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब जैसे मैंने पहले बताया, एडवर्ब क्या है? जो किसी काम के होने के बारे में बताता है, ठीक है, किसी एक एडजेक्टिव के बारे में बताता है या किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस है तो ऑब्वियसली ये वेयर का आंसर देगा। सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, ओके, किस जगह पे हो रहा है, वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। अब द पियन इज सिटिंग वेयर? आउटसाइड। ओके, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर आउटसाइड द रूम हो गया तो फिर वहां पे आउटसाइड प्रेपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन में हमने क्या किया था कि प्रेपोजिशन क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है। तो यहाँ पे द पियन इज सिटिंग वेयर? द पियन इज सिटिंग आउटसाइड, सो इट इज गिविंग आंसर ऑफ वेयर, सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बैठने के बारे में, पियन के बारे में नहीं बता रहा, उसके बैठने के बारे में कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, इसीलिए ये एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को यहाँ पे बता रहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑल द बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, कहाँ पे है? ओके, कहाँ पे है होने के बारे में बता रहा है, तो कहाँ पे है बेडरूम सारे? अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स इज अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस। रमेश विल मीट मी देयर, कहाँ मिलेगा? रमेश के बारे में नहीं हम बता रहे, हम ये कि मिलेगा कहाँ पे, कहाँ पे मिलेगा, वहां पे मिलेगा, सो दैट इज अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड नेक्स्ट इज समबडी इज हाइडिंग इनसाइड, समबडी इज हाइडिंग वेयर, वेयर इज इट? इट इज इनसाइड। ओके, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ओके, नाउ एनीबडी हु कैन गिव मी एनी एग्जांपल, जसमीत कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल, जसमीत बंगा कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, जल्दी से। आई एम हाइडिंग अंडर द ट्री। ओके, आई एम हाइडिंग अंडर द ट्री, हाँ जी जय बंगा, इज इट बेटा एडवर्ब और समथिंग एल्स? जसमीत उसमें आपने बेटा एडवर्ब कौन सा है? इट्स इट प्रॉपरली जसमीत, हाँ जी जसमीत, इसमें एडवर्ब कौन सा जो आपने सेंटेंस बोला? आई एम अंडर, अंडर, ओके ठीक है, हाँ जी जय बंगा, ये ठीक है बेटा, इसका मैम वो प्रेपोजिशन है, मैम अंडर प्रेपोजिशन है। वेरी गुड, अंडर बेटा प्रेपोजिशन है। ही इज सिटिंग आउटसाइड, अगर आप बोलोगे तो आउटसाइड वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, अंडर के बाद आ गया ना नाउन एक, ठीक है, तो वहां पे बेटा अंडर जो है दैट इज प्रेपोजिशन, दैट इज नॉट एडवर्ब। वेरी गुड, आपने आंसर दिया, आपका एक डाउट क्लियर हुआ, वेरी गुड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यू नो इट, वो क्या बताएगा कि कोई एक्शन कब हुआ। ओके, सो कब हुआ, उसके लिए आई शैल गो टुमारो, कब जाओगे? टुमारो, वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान अगर दोगे तो। द ट्रेन विल अराइव, कब आएगी? सून, सो ऐसे वर्ड्स सून, टुमारो, टुडे, अर्ली, नाउ, देन, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। I rise early. When? Early. The workers will begin their work now. कब शुरू करेंगे? Now. Okay? So this is adverb of time.
any example. Dia? Haan ji, Dia. Give me any example of adverb of time. Haan ji, bete. Any example of adverb of time. Maine aapko kuch aur bhi bole the. Today, tomorrow, then. Ye sare words beta adverb of time ke liye use hote hain. So can you use any word? Haan ji, Dia. Waiting for your answer, beta. Okay. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Tomorrow is my school. Tomorrow is my school? Tomorrow is my school. Mm-hmm. Tomorrow I shall go to school. Okay. So tomorrow, when will you go to school? Tomorrow I shall go to school. So this is how it is adverb of time. Okay. Adverb of manner. Ki koi kaam kaise ho. ये आपने बेटा पहले थर्ड क्लास में भी किया, फोर्थ में भी किए हुए ये. सो इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, कि कोई काम कैसे होता है, कैसे किया जा रहा है. जैसे द फर्स्ट इज द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलता है. द मैन शाउटेड एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाया. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़े. अब एक चीज ध्यान देनी है, एडवर्ब ऑफ मैनर में ना मैक्सिमम जो होते हैं दोज आर विद एल वाई. एडवर्ब हम जल्दी से कैसे पहचान लेते हैं कि जिस वर्ड के बाद एल वाई लगाओ तो वी क्विकली से दिस इज एन एडवर्ब. बट एवरी एडवर्ब इज नॉट यूज्ड विद एल वाई. हर एडवर्ब में एल वाई हम यूज नहीं करते. तो जैसे रीना वर्क्ड हार्ड, कैसे उसने काम किया, हार्ड, मेहनत की, ज्यादा मेहनत, ठीक है. वर्क्ड हार्ड टू विन द प्राइज. How did she work? She worked hard. तो यहाँ पे ly नहीं लगा हुआ. तो you are to keep this thing in mind कि ये नहीं कि ly लग गया तो वो adverb हो गया. तो in some cases ly is not used. So we have done adverb of place, adverb of time, and adverb of hip movement, manner. Kneel beta, sit properly. Adverb of manner, right? Okay बेटे. So next is, अब थोड़ा सा ध्यान देना आपने adverb of frequency. Frequency का मतलब क्या होता है कि how frequently, कितनी बार, कितनी जल्दी जल्दी कोई काम होता है, कितनी बार, कैसे कैसे किया जाता है, कितनी बार, how often or how frequently an action is done. अब यहाँ पे adverb of time और adverb of frequency में okay? इसके लिए आप क्वेश्चन बनाओगे हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स. जैसे आई कॉल्ड एट योर ऑफिस ट्वाइस. अब यहाँ पे व्हेन नहीं आएगा. एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए वी मेक क्वेश्चन व्हेन. फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वी मेक क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन. ओके, सो आई कॉल्ड एट योर ऑफिस ट्वाइस. कितनी बार फोन किया? ट्वाइस, दो बार किया. सो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज शी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. वो कब कब लेट होती है? हमेशा ही लेट होती है. ओके, हाउ ऑफन? ऑलवेज, हमेशा. सो ऑलवेज इज अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, द मिल्कमैन कम्स टू आवर हाउस डेली. वो कब आता है? हाउ फ्रीक्वेंटली डज ही कम? डेली, ही कम्स डेली. सो डेली इज अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही ऑफन मेक्स एक्सक्यूजेस. वो अक्सर ही बहाने बनाता है. कब कब बनाता बहाने? अक्सर ही बहाने बनाता. ओके, सो दिस इज व्हाट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज. ओके, एंड नेक्स्ट है बेटा. अब ओके, चलो अब मुझे एट दिस टॉप हियर. ओके, नाउ हर्षप्रीत सिंह. हाँ जी, हर्षप्रीत सिंह. हर्षप्रीत सिंह बेटा, आप मुझे गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. जल्दी से. आई जस्ट वांट टू चेक वेदर यू लिसन टू मी और नॉट. क्विकली हर्षप्रीत सिंह, क्विकली गिव मी आंसर एन एग्जांपल ऑफ हर दैट एडवर्ब ऑफ टाइम. I am going to school today. Okay, I am going to school today. Okay, okay. So you will make question when
and answer to when is today. Okay. Next, Rasesh. Adverb of place. Adverb of place. This is a good place. Is it adverb of place? It is a good place. Is it adverb of place? No, no. Yes, Tanisha Gupta. Tanisha Gupta. Quickly, bete, Tanisha Gupta. Good morning, ma'am. Hanji, good morning, bete. I'm not able to see you, beta. Yes, bete. Hanji, adverb of place ka jaldi se bataiye. Quickly, bete. Okay. Yes. This is what you all are listening. Gagan, jaldi se bataiye. Adverb of place ka ek example. I am going downstairs. I'm going downstairs. Yes. Where are you going? I'm going downstairs. So it is adverb of place. Okay. Adverb of manner. Adverb of manner. Yes, Sargun. She ran fast. Yes, she ran fast. Okay, any word with ly? Any adverb with ly? Who will try it? Any adverb with ly? Ame. Ame, ame. Quickly, Vite. Yes. Ma'am, I am thinking. Ma'am, I don't know. No. Very nice, very nice. So you are thinking. Are you all attentive here? I don't think so. Very good. Yes, Avni, quickly give answer. I do my work quickly. Can I speak? I do my work quickly. Yes, I do my work quickly. So this is how you are to give answer. Hanji, Yashu, adverb of frequency ka answer batao beta. Adverb of frequency. She happily ever after. She happily ever after. What does it mean? What does it mean? Adverb of frequency. मैंने कहा है बच्चे adverb of frequency that you have not told me. Frequency, how often a work is done. Adverb of frequency, that is, yes. Who will tell me? Okay, it is, yes, Sargun, बताइए. Adverb of frequency. We often talk to ourselves. We often talk to ourselves. आपने book से देखा है ये sentence? Yes. We often talk to ourselves. मैं मुझे याद आ गया. Okay, beta, you mute yourself. You mute yourself. Okay. So we often talk to ourselves. Okay. So ये beta हमने kinds अभी करनी हैं. So you are to do all these kinds. Please, ये जो मैंने video भी आपको भेजी है, you are to watch that video again. And please do it very much carefully. Okay. तो जब तक आप ये सब चीज़